अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मैगी, शेजवान मैगी। क्विकली झटपट समझे ना, 5-6 मिनट में बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए 2 कप पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालकर इसे बॉईल करने रख दीजिए फास्ट आंच पर। ये मैगी है, जब बॉईल हो जाए तो इसमें मैगी डाल दीजिए। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो पीसेस करके डाल सकते हैं। और ये जो मसाला है ये साइड पर रख दीजिए। मैगी आपने इस कदर पकानी है कि 90-95% तक ही पकनी चाहिए, पूरी तरीके से मत पकाइएगा। जब 90-95% पक जाए तो इसे क्विकली छान लीजिए, और जैसे ही छान लेना तो उसके ऊपर 1 ग्लास पानी डाल दीजिए ठंडा ठंडा, सो दैट उसका जो कुकिंग प्रोसीजर है ना वो बंद हो जाए। लेकिन अभी भी देखो आप थोड़ी सी ये है, इसमें भाप दिख रही है, तो मैं एक और ठंडा ग्लास पानी का डाल रही हूँ तो कुकिंग प्रोसीजर बंद हो जाएगा। अब इसे साइड पर रख दीजिए। अब हम यह मसाला टाइप बना लेते हैं। 1 कप फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 छोटे चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को तकरीबन 1/2 या 1 मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। बार बार चलाते रहिएगा। जब 1/2 या 1 मिनट हो जाता है लहसुन फ्राई होके, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून भरकर बारीक कटा हुआ गाजर, 2 या 2.5 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है और इसे बार बार चलाते रहिए, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट थोड़ा भी कच्चापन जो है प्याज का वो हट जाए। जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ शिमला मिर्च। अब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने 2 टेबलस्पून डाली है, और सब्जियां भी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। बस 1/2 मिनट ही फ्राई कीजिएगा, सो दैट ये जो थोड़ी सी कच्ची पक्की रहे है। अब इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस, 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 1/2 छोटा चाय का चम्मच या 1/4 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस। मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है सोया सॉस, और 1/4 छोटा चाय का चम्मच मैंने विनेगर डाला है। अब और ये है 1/2 छोटा चाय का चम्मच चिली सॉस। अब यहाँ जो सॉसेस हैं मैंने मेरे हिसाब से डाले हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार चला लीजिए इसे, चूल्हा मैंने स्लो पर ही रखा है। अब ये मसाला भी डाल दीजिए और मसाले को भी मिक्स कर लीजिए। सॉसेस डालने के बाद बस 1/2 मिनट तक ही सॉसेस को फ्राई कीजिए स्लो आंच पर बार बार चलाते हुए। उसके बाद ये जो मैगी साइड पर रखी है पकी हुई ये डाल दीजिए, और इस तरीके से टॉस कर लीजिए या फिर स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लीजिए, और स्लो आंच पर इसे तकरीबन 1 मिनट तक पकने दीजिए। सो दैट हमारी जो बाकी कच्ची जो पन जो था हमारी मैगी में वो सारा निकल जाएगा और हमारी मैगी पूरी तरीके से पक जाएगी। मैं हल्का सा काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, फ्लेवर के लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो नमक भी एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए हो चुका है 1 मिनट, तो मैं बंद कर दी चूल्हा, और थोड़ा सा शिमला मिर्च और स्प्रिंग ऑनियंस थोड़ा सा मैंने डाला है बारीक कटा हुआ, और गर्मा गर्म हमारी शेजवान मैगी रेडी है। एक प्लेट में निकालें और इसे सर्व कीजिए। अगर आपको एकदम वाइब्रेंट रेड कलर चाहिए तो आप क्या कीजिए, जब सॉसेस डालते हैं तो रेड फूड कलर तंदूरी वाला डालकर मिक्स कर लीजिएगा, तो वाइब्रेंट रेड कलर आ जाएगा। है ना मजेदार रेसिपी आज की। आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी ये रेसिपी तो लाइक कीजिए वाली वीडियो को, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक फॉरवर्ड कीजिए। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार मजेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।